गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल गुरुजी। फ्रेंड्स, आज जो आप ये देख सकते हैं गियर बॉक्स, ये है मारुति वैगनआर VXi 1.2 लीटर का ये गियर बॉक्स उतरा हुआ है। एक्चुअली हमने इसमें जो काम करना था हमें, वो क्लच का काम करना था। ये देख सकते हैं क्लच, इसमें क्या था कि क्लच जब हम लोग ज़्यादा RPM पे गाड़ी चलाते थे तो क्लच स्लिप करने लगती थी। तो क्लच के लिए जब हम लोगों ने गाड़ी खोला तो अंदर देख सकते हैं ये ऑयली सा लग रहा है, मतलब जो गियर ऑयल है वो लीकेज होके ये क्लच के अंदर आ रहा था, जिसकी वजह से स्लिपिंग हो रही थी। मैं ये भी दिखा देता हूँ हाउसिंग, ये देख सकते हैं गाइस, ये है हाउसिंग, ये फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील के पास भी देखिए यहाँ पे ऑयल जैसा लगा हुआ है ना, मतलब कि इसके अंदर ऑयल आ गया था जिसकी वजह से क्लच स्लिप कर रही थी। तो फाइनली कंक्लूजन ये पाया गया कि इसका ऑयल सील लीकेज था। मैं दिखाता हूँ कौन सा ऑयल सील लीकेज है। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये गियर बॉक्स का केसिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्क लगा हुआ है, फोर्क के बाद यहाँ रिलीज वेयरिंग लगती है। ये जो गाइस मेन शाफ्ट आया है, किसी भी गियर बॉक्स के अंदर दो शाफ्ट होते हैं, काउंटर शाफ्ट एक होता है, मेन शाफ्ट होता है। ये काउंटर शाफ्ट इसके अंदर जो ऑयल सील लगा हुआ रहता है, जब ये गाइस खुलेगा वो ऑयल सील लीकेज है, उसकी वजह से ऑयल अंदर आ रही थी और ये सीपेज ऑयल का हुआ जिसकी वजह से क्लच स्लिप कर रहा है। तो आज हम वो ऑयल सील चेंज करने वाले हैं, तो आपको दिखाते हैं एक एक करके, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो गाइस ये है गियर बॉक्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंजर यूनिट है, तो अब हम इसको चेंज करेंगे, पूरा गियर बॉक्स खुलेगा तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। ये सारे बोल्ट खोल के अब हटाए जा रहे हैं। ये बोल्ट रह गया था खोलना क्या? नहीं, लास्ट में खुलता है। अच्छा, लास्ट में खुलता है। देखिए खोला जा रहा है, तो ये सारे बोल्ट जो हैं इसके खुल चुके हैं। और गाइस देखिए डिफरेंशियल जो लगा हुआ रहता है वो इस जगह डिफरेंशियल लगा रहा था। जितनी भी पैसेंजर कार आती है वो गियर के साथ इनबिल्ट डिफरेंशियल आती है। धीरे धीरे खुल रहा है, ये खुलने में दिक्कत दे रहा था। गाइस फाइनली गियर अब दिख रहे हैं। मेन जो गाइस ध्यान रखना पड़ता है खोलने के टाइम में ही। तो गाइस मैं कुछ अब थ्योरेटिकल आपको बताना चाहता हूँ। जो भी गियर बॉक्स आपको मैं दिखा रहा था कि वो खुल रहा है, तो अभी वो खोला जा रहा है, तो उससे पहले मैं कुछ आपको थ्योरी बता दूँ। तो गाइस जो ये पार्ट्स आप देख रहे हैं इसमें वीडियो में क्लैरिटी के साथ देख रहे हैं, ये गाइस डिफरेंशियल का पार्ट है। तो गाइस इस वीडियो में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए नंबर वाइज दिया हुआ, एक नंबर का पार्ट्स ये है, दो नंबर का पार्ट्स ये है, तीन नंबर का ये है, चार नंबर का ये है। तो इसको बोलते क्या है वो मैं बताता हूँ। तो जैसा कि गाइस आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, एक नंबर जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग एक्साइटर बोलते हैं, जो कि इसे बोला जाता है रिंग एक्साइटर। दो नंबर जो है उसको हम बोलते हैं पिनियन, डिफरेंशियल का पिनियन बोलते हैं। जो तीन नंबर गाइस है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल साइड गियर बोलते हैं, जो ये तीन नंबर है ये डिफरेंशियल साइड गियर है। फोर्थ नंबर जो है, ये जो देख रहे हैं लंबा शाफ्ट है, ये क्या है, शाफ्ट है, डिफरेंशियल पिनियन का शाफ्ट है। पांचवा जो नंबर है गाइस, तो आपको इस वीडियो में ये देखिए, ये पांचवा नंबर है, पांचवें नंबर को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल का केसिंग बोलते हैं, केस बोलते हैं डिफरेंशियल का। जो सिक्स नंबर है गाइस, ये जो देखिए सिक्स नंबर है, ये डिफरेंशियल ऑयल सील है गाइस, ये लीकेज होने की वजह से भी ऑयल लीकेज होती है। फिर गाइस जो आठवां नंबर है, ये देख रहे हैं गियर है, फाइनल गियर मतलब मेन गियर है वो डिफरेंशियल का। उसके बाद गाइस, और ये गाइस जो है इसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल का बैरिंग बोलते हैं। दस नंबर में देखिए गाइस, ये बोल्ट लगा हुआ रहता है इसमें,
ग्यारहवें नंबर पे ये चलिएगा गाइस, तो इसे भी हम बोलते हैं फाइनल गियर का बोल्ट बोलते हैं। नहीं, ये तो वॉशर है, ग्यारहवां नंबर ये वॉशर है। तो ग्यारह नंबर के इस तरह के मल्टीपल वॉशर आते हैं गाइस। ये 12 नंबर में भी वॉशर हैं। फिर जो गाइस ये 13 नंबर भी, इसी को भी बोलते हैं हम लोग वॉशर डिफरेंशियल साइड। फिर जो गाइस अब आते हैं 14 नंबर पे, वो दूसरे पेज में मैं बताता हूँ आपको। ये गाइस 14 नंबर में ये पिन है, डिफरेंशियल पिनियन शाफ्ट जो है ये 4 नंबर, इसका पिन है ये। तो गाइस ये डिफरेंशियल के कंपोनेंट्स थे, पार्ट्स थे, जो मैं एक एक करके डिटेल से आपको बता दिया हूँ। अब मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, अभी गियर बॉक्स खुलने के बाद में दिखाता हूँ। ये फाइनली गियर बॉक्स खुल चुका है, ये गियर बॉक्स का केसिंग हुआ, और ये गियर बॉक्स का जो इंटरनल मैकेनिज्म है, जिसमें कि आपको ये दिख रहा जो मैंने अभी बताया था, हाँ ठीक, ये डिफरेंशियल है, ये डिफरेंशियल है, और ये गियर का जिसमें एक जो शाफ्ट है हमारा मेन शाफ्ट है, और सेकेंड जो शाफ्ट है वो काउंटर शाफ्ट है। तो कुछ इस तरीके से दिखता है ये गियर बॉक्स को हम लोग डिसअसेंबल कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये रिवर्स का चेंजर है ना, ये देखिए गाइस, सबसे पहले हमें ये रिवर्स का चेंजर खोलना है। दो बोल्ट से ये टाइट है ना, रिवर्स गियर इसी से लगता है ना। इसमें रिवर्स गियर है, ये रिवर्स गियर है, इसी से ये कनेक्टेड है। नहीं ऊपर करेगा तो गियर लग जाएगा। किधर गियर लग जाएगा, कैसे ऊपर ऐसा करेगा तो गियर लग जाएगा। और इसको ऊपर करेंगे तो ये गियर लग गया है ना, तो जब भी ये शिफ्ट होता है मतलब ऊपर कर देता है इसको, है ना, ये ऊपर की ओर खींच। हाँ ठीक, ये दोनों बोल्ट खुल चुका है, ये निकल गया। ये सबसे पहले रिवर्स गियर को निकाल लेंगे, ये है रिवर्स गियर। अब ये मेन शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट दोनों को निकाला जा रहा है, ये देखिए निकल चुका है यहाँ से इसको। ये गाइस निकल गया, अब जो गाइस ऑयल सील लीकेज हुआ है, ये है ना ऑयल सील, इसी ऑयल सील लीकेज होने की वजह से ऑयल सीपेज हो रहा था, इसको डिफरेंशियल बोलते हैं। ये हो गया पूरा डिफरेंशियल का सेट, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था उसमें डिफरेंशियल का। ये देखिए मेन केसिंग है ये डिफरेंशियल का, इसी के अंदर सारे बैरिंग, दो बैरिंग जो मैंने आपको बताया था। ये क्या है, मैग्नेट है, कचरा खींचने के लिए, मतलब कि जो भी मेटल के जो भी हो, कितना कचरा इसमें, और एमरी वगैरह जो भी आएगा तो ये अच्छा इसमें आ जाएगा। ये कहाँ लगा हुआ रहता है, ऐसे रखा रहता है, लगा हुआ थोड़ी अच्छा रखा रहता है ये, है ना, देखो ड्रे होता है ना। अच्छा तो गाइज ये दिया गया है इसलिए मैग्नेट की, अगर ऑयल में किसी भी तरह का एमरी मेटल का जो डस्ट पार्टिकल्स है, अगर वो ऑयल में आएगा तो ये उसको ऑब्जर्व करके अपने अंदर अवशोषित कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से वो ऑयल में इस मेटल के पार्ट्स को वियर टियर नहीं कर पाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कंप्लीट ये गियर बॉक्स खुल चुका है, अब ये हम लोग इसमें नया ऑयल सील ट्रीटमेंट करेंगे। गाइस देखो इन्होंने मेन शाफ्ट में ऑयल सील लगा के पहले टेस्ट कर लिया कि इसमें प्रॉपर फिट आ रही है या नहीं आ रही, साइज से भी चेक कर लो ना। ये काउंटर शाफ्ट का बेयरिंग है ना। तो गाइज मैं इसके पार्ट्स के नेम के बारे में बताता हूँ, तो मेरे पास देखिए ये थियोरेटिकल सारे पार्ट्स का जो नाम है वो मेंशन किया हुआ है, और ये सामने ये आपके पास असेंबली है। तो गाइज जो ये फर्स्ट नंबर है इसको हम मेन शाफ्ट बोलते हैं, तो मेन शाफ्ट में आप देखिए कौन कौन सा पार्ट लगा हुआ है, और ये है काउंटर शाफ्ट हो गया। मेन शाफ्ट पे चलेंगे तो फर्स्ट ये दोनों बेयरिंग है, दोनों एंड पे बेयरिंग दिया हुआ है। तो गाइस और मैं बता देता हूँ, इसमें ये जो गियर है ये हमारा फिफ्थ गियर है, इस ये काउंटर शाफ्ट के थ्रू ये मेन शाफ्ट में कनेक्ट रहती है, ये है फिफ्थ गियर। देन सेकेंड जो ये आता है ये है फोर्थ गियर, फोर्थ गियर के बाद आइएगा गाइस ये है थर्ड गियर,
थर्ड गियर, और उसके बाद ये जो गियर है ये है सेकेंड गियर। सेकेंड गियर के बाद जो पहला गियर है देख सकते हैं इसमें गाइस, देखिए गियर क्या काम करता है, इसमें ये स्पीड रेशियो को ट्रांसमिट करता है कि किस समय हमें कितना पावर चाहिए और कितना स्पीड चाहिए। देखिए क्या होता है कि फर्स्ट गियर जो है उसका आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसका जो ये टीथ के साथ जो ये बनाया हुआ है डिज़ाइन, ये सबसे बड़ा है। जो ज़्यादा बड़ा होगा रेडियस सेंटर से, जिसकी रेडियस जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा टॉर्क मीन्स पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। और ये है रिवर्स गियर। तो गाइज ये था एक काउंटर शाफ्ट और मेन शाफ्ट के सारे गियर्स के बारे में। और जो देखिए गाइज अभी हम क्लीन कर रहे हैं, ये है चेंजर, इसी से जो गियर वायर होती है वो कनेक्ट होती है और इसी से चेंज किया जाता है, जिसको अभी क्लीन किया जा रहा है, यही है ना चेंजर। हाँ। तो अभी गाइस खुला है तो सबको क्लीन करना पड़ रहा है। एक बार गाइस मैंने इसका फोटो ही आपको दे दिया, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो, एक एक पार्ट का नाम जानना चाहते हो तो आप इससे समझ जाओगे। और देख सकते ये जो है रिवर्स गियर का जो टीथ है, ये रिवर्स स्विच है गाइस, आप देख सकते हैं ये प्रॉपर क्लीन हो चुका है। इसको पेट्रोल से क्लीन करके उसके बाद अब न्यू ऑयल फील हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये देखिए न्यू ऑयल फील है, ऑयल सील ट्रीटमेंट हो गया। फाइनली गाइस जो ऑयल सील है वो प्रॉपर अपने जगह पे प्रॉपर फिटमेंट हो चुका है, ये देख सकते हैं। अब इसमें जो इसके मेन शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट, रिवर्स गियर का और डिफरेंशियल, वो सारी चीज़ें जस्ट इसमें अब लगाई जाएगी। रख दो खाली, बस हो गया, छोड़ दो, घुमा घुमा घुमा, छोड़ दो। क्या बात है, कितना एकदम फ्रिक्शनलेस रोटेशन है ना, बंद करो, इजीली रोटेट कर रहा है। ये नीचे का गियर मैच करो, डिफरेंशियल लगने के बाद अब ये उधर थोड़ा ना, उधर उठा ना, उधर से दबाओ ना उसको, नीचे पर दबाओ। हाँ थोड़ा एक रन घुमा गाइस, इसी समय टेक्निक की जरूरत होती है, एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, तभी आप प्रॉपरली फिट कर पाओगे। उसको पूरा टेढ़ा करो, हाँ चल जाएगा, चल जाएगा, अब चल जाएगा। देख सकते हैं गाइस अब प्रॉपरली फिट हो चुका है। ये फ्री घूमेगा, घूम भी सकता है ना, फ्री। जब तक फ्री नहीं घूमेगा इट मीन्स आप समझ लो प्रॉपर सेट नहीं हुआ है ना गाइस, अभी ये प्रॉपर ढंग से नहीं बैठा दे गाइस। देख सकते हो अब ये फिट हो गया, आप इसे घुमा के दिखाना एक बार। देखिए गाइस जब ये प्रॉपर फिट बैठ जाएगी तो इस तरीके से रोटेट करता है, आप इसको इजीली रोटेट करा सकते हो। अगर ये रोटेट नहीं हो रहा है इट मीन्स आपकी जो ये डिफरेंशियल के साथ जो गियर का कॉम्बिनेशन है वो नहीं है प्रॉपर। गाइस कुछ देखो इस तरीके से मैं टॉप का व्यू दिखा रहा हूँ, अब ये फाइनली रिवर्स गियर का जो पोटली है वो खुल चुका है, अब इसे फिट करोगे ना। ये देखिए गाइस यहाँ पे रिवर्स गियर, ये देखिए रिवर्स गियर फिट हो चुका है।
ये रिवर्स गियर का क्या चेंजर है ना, ये चेंजर फिट किया जा रहा है। अब इसमें गाइस मैं एक इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ, अगर आपके पास कोई गाड़ी है, कार है, अगर आप गियर लगाते हो, सपोज दैट फर्स्ट गियर में चल रही है, आपने सेकंड गियर लगाया, थर्ड गियर लगाया, तो वो गियर क्या होता है, रिवर्स कर देता है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है गियर फेंक दे रहा है। तो उसमें क्या होती है कि दो पार्ट्स होते हैं इसमें, शिफ्टर स्लीव और सिंक्रो रिंग होता है इसमें लगा हुआ। वो कहाँ लगा हुआ रहता है मैं दिखाता हूँ आपको, जो खांचा है ना ये सिंक्रो रिंग है ना, ये जो खांचा, ये गियर रिंग में खांचा लगा करता है, ज्यादा अगर कट जाएगा ना, ये ज्यादा कट अंदर का, अंदर का पोजिशन, इधर का नहीं, अंदर पोजिशन ज्यादा कट जाएगा, पूरा इसमें मैच करता है, देखो फिर से मैच कर लेगा वो। अच्छा हाँ, अगर ये ज्यादा फैल जाएगा तो इसमें मैच नहीं कर पाएगा ना, तो इसी की वजह से गियर वो फेंकने लगता है। इसमें सिंपली हमें ये चेंज करना पड़ता है, चेंज करने के बाद वो ठीक हो जाता है। गियर लगा रहे हो, रिवर्स गियर डालना, देखिए गाइस ये रिवर्स गियर डाल रहा है, रिवर्स लग गया, लग गया रिवर्स गियर, हटाना रिवर्स गियर तो न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया। मारुति वेगनार का गियर बॉक्स, वेगनार का गियर बॉक्स जो कि देखिए प्रॉपरली असेंबल हो चुका है। इसमें आप गियर लगा के दिखाना, तो कैसे गियर लगता है इसमें गाइस, देखिए गियर लगाया जा रहा है इसमें, देखिए गाइस कौन सा गियर लगाया, रिवर्स, 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 रिवर्स गियर लग गया, अब न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल हो गया है ना गाइस, ये है रिवर्स गियर, अभी हमने रिवर्स गियर लगा के आपको दिखाया, करने दीजिए आप काम। तो गाइस मैग्नेट था यहीं पे रखा रहता है, ये जो मैग्नेट जो कि ऑयल में कोई भी कचरा है तो उसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अब गाइस इसमें इसके जो सरफेस है बोल्ट पे वो एना बाउंड लगाया जाएगा, एना बाउंड लगाने के बाद फाइनली जो इसका ये केसिंग है ये उसके ऊपर फिटमेंट किया जाएगा। ये गाइस एना बाउंड है, कवर लगा रहा है, अब ये गाइस इसका केसिंग इस पे रखा जा रहा है। लॉक है गाइस, इस लॉक को फैलाना पड़ता है जब आप इसको सेट कर रहे हो, जब खोलना है इधर से बुकने दोनों से बैठा, ऐसे जबरदस्ती नहीं करो, अपने बैठे हाँ छोड़ दो, क्या लॉक हटा और पूरा नहीं बैठा है, अभी ऐसा नहीं ऊपर से जाएगा, उतना ताकत लगाने थोड़ी जाएगा, ऐसे घर भागा था एक तो अंदर से काबू पलट रहेगा, दुगो कितनी है सेंटर में दिखाई रिसीव सेंटर का है। गाइस फाइनली गियर बॉक्स का केसिंग प्रॉपर सेट हो चुका है और फाइनली इसको बोल्ट से टाइट किया जा रहा है। फाइनली अब जो ये चेंजर है वो फिटमेंट किया जा रहा है। चेंजर फिटमेंट किया जा रहा है, अंदर दिखाइए एक बार,
ये इस तरीके से ऐसे करके क्या मतलब ठीक है, मतलब ठीक है, न्यूट्रल हो रहा है ना। फाइनली चेंजर भी अब फिट हो चुका है। फाइनली गियर बॉक्स का लगभग लगभग काम कंप्लीट हो चुका है, केवल अब ये लगना है गियर बॉक्स कंप्लीट। छोड़ दो, ये रेडी है।